बस कम मेरी जन्नत को सलामत रखना। सिर्फ इमरान नहीं बोल रहा है, यहाँ बैठा हुआ मुझे लगता है हर वो योद्धा जिसने अपने इस मुल्क को बचाने के लिए पसीने का एक कतरा भी कुर्बान किया है, खून का एक कतरा भी कुर्बान किया है, वो किसी भी मजहब का हो, शायद उसके भी दिल की ही आवाज है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इधर जो लोग बैठे हैं सारे लोग शामिल होंगे, मैं पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, क्या इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आप बस ये सोचे कि माइक पर इमरान खड़ा है, इमरान एक 35-36 साल का नौजवान, जब इन तमाम नफरतों को देखता है तो उसे एक लम्हे के लिए ये कहना पड़ता है, ये पंक्तियां पढ़नी पड़ती हैं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगली जो दो पंक्तियां हैं शेखावाटी वालों, उसे पहुंचाना दिल्ली तक, तमाम जो नफरत के पैरोकार हैं उनके पास तक पहुंचाना इन पंक्तियों को। इमरान पढ़ रहा है, जब भी ये कह दिया जाता है कि आप धर्म या मुल्क, इसमें से आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर ये सवाल खड़ा होता है। इमरान या मिसरे पढ़ रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा। जोरदार तालियां दोस्तों, पर जोरदार तालियां सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये 45-10-55 नाम है मेरे हाथ में जो कारगिल योद्धाओं के हैं, इसमें तमाम नाम ऐसे हैं जो नाम से पढ़ने पर पता चलेगा कि वो मुसलमान है। मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए, आखिरी पंक्तियां, और ये हाथ में ले करके पढ़ना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ
तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब तैयार रहना, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगली जो दो पंक्तियां हैं उस पर कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। चौथी पंक्ति पे तैयार रहिए। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में मिश्रा। एक बार स्टैंडिंग ओवेशन बनता है भाई के लिए, सारे के सारे लोग खड़े होकर प्लीज। मजमा जितना भी खड़ा बैठा है, मैं चाहूंगा कि पूरे के पूरे लोग खड़े होकर केरला में इस दृश्य को अपने कैमरे में सजाए, केरला के पानी को करें एक बार सुनहरा वायु के साथ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत शुक्रिया। चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, ऐसी पाकीजा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जाते जाते बस इतना कह के विदा लूंगा आपसे कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया साथियों, आप सबको आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और चौकीदार साहब से और तमाम यहां जो योद्धा बैठे हैं, अपने बड़ों से एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरा बड़ा मन है कि ये जो शेखावाटी की जमीन है, एक आध दिन में यहां दिल्ली से तमाम मीडिया के साथियों को लेके आऊंगा और मैं चाहता हूं कि उन परिवारों के घर तक चले लोग, उस मिट्टी को देखें, उसे महसूस करें, उनकी कहानियां देश को बताएं। और मैं जल्दी ही एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम दिल्ली में यहाँ के तमाम योद्धाओं को बुला के आयोजित करूंगा, उसमें से अभी से आप सबको आमंत्रण देता हूँ और मैं चाहूंगा कि उसमें आप सब आए। मेरा वादा है कि मैं उसमें देश के तमाम बड़े राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक लोगों को बुलाऊंगा ताकि शेखावाटी की कहानियां देश के कोने कोने में जाए। आज से इमरान प्रतापगढ़ी आपकी कहानियों का ब्रांड एम्बेसडर है, उसे देश के कोने कोने में लेके जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया। विमोचन, विमोचन, एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां। देश का